फ्रेंड्स, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को मैंने बताया था कि मुझे जॉली ग्रांट में एक डिलीवरी करनी है चॉकलेट बॉक्स की, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये कैफ़े है हिमालयन हॉस्पिटल के पास, हिमालयन जो हॉस्पिटल है वही, उसी के अंदर ये कैफ़े है। तो यहाँ पर मेरी चॉकलेट्स आती हैं, तो मैं यहाँ पर चॉकलेट्स को डिलीवर करने आई हूँ। अभी ऑफिस से मैं पहले घर गई थी, मैंने पूजा करी, दिए जलाए घर पर, उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ अपने जीजू के साथ। ये मेरे जीजू पीछे, अपने जीजू के साथ आई हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम चॉकलेट्स डिलीवर करने के बाद जाएंगे दीदी के घर, और फिर आपको फिर से मैं मिलवाऊंगी दीदी से और बच्चों से। और आज मेरे मम्मी पापा भी आने वाले हैं वहाँ पर, तो फर्स्ट टाइम वीडियो में मैं आपको अपने मम्मी पापा से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। बहुत मज़ा आने वाला है, आज हम लोग सब मिलके बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज, मैं दीदी के घर पे पहुंच गई हूँ और बहुत सुंदर कर रखा है दीदी ने, अभी अभी इसमें पेंट करा, अंदर काम करवाया है। तो मैं यहाँ पहुंच गई हूँ गिफ्ट्स लेके, जीजू अभी सब्ज़ी वगैरह ले रहे हैं। देखिए गिफ्ट्स लेके आ गई हूँ, ये देखिए पीछे, ये अभी आपको दिखाऊंगी। तो चलो इनको सरप्राइज़ देते हैं। इनको नहीं मालूम था एक्चुअली कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, क्योंकि मैं तो चॉकलेट्स, हेलो हाय, सरप्राइज दे दिया ना, सरप्राइज, हैप्पी धनतेरस बोल रहे हैं। ये मेरी मम्मी है, ये पापा है जो कि हाथ हिलाए जा रहे हैं, और ये दीदी है, दीदी से आप मिल चुके हो, रिद्धु, और ये जीबो। तो मैं आपको दीदी का घर पे दिखाती हूँ। दीदी ने अभी अभी इसमें पेंट करवाया है और अंदर बहुत अच्छा काम कराया है। इसे ना इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो अभी दिखाती हूँ मैं इसका पूरा घर, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने वीडियोस में देखा था, इसने मुझे दिखाया था, तो मैं अभी उसके बाद अभी पहली बार ही आ रही हूँ। सबसे पहले तो भाई अपने गिफ्ट्स पकड़ लो, हैप्पी दिवाली। ये मम्मी का नीचे वाला, ये ऊपर वाला तुम्हारा है। तो आइए आपको दिखाती हूँ इसका घर कि इसने कैसा बनाया हुआ, पूरा बाहर से दिखाती हूँ मैं। और ये जिया जी भी आ गए बाइक से, मैं पहले आ गई थी पैदल। तो आइए दिखाती हूँ आपको, ये है दीदी का घर। ये अभी इन्होंने लाइट्स नहीं लगाई क्योंकि फिर सारी कील्स वगैरह लगती है ना, कीले वगैरह लगती हैं तो ख़राब हो जाता है। तो अभी इन्होंने पेंट कराया, देखिए हाँ, नहीं काम बहुत अच्छा किया हुआ है। बाकी इसकी ग्रीनरी तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। वाओ दीदी, तो और अच्छा लग रहा है अब यार, वाओ नाइस। ये देखिए, ये ना दीदी की जो सबसे बड़ी वाली बेटी है ना रिदम, वो है। और जो ये वाली फोटो है ना रिदम की, ये सबसे किनारे वाली, ये मेरे फोन की जो पहली फोटो है, ये वही वाली फोटो है नन्नो की पेंटिंग। अरे वाह, अच्छा ये नन्नो ने पेंटिंग की है। देखो ये मेरी जो बड़ी वाली दीदी है उसकी बेटी ने पेंटिंग करी है, वो मात्र 13 साल की है अभी। सबसे पहले यही दिखाई थी आपको, ये जीबो जो है, जीबो की फोटो है, जिस दिन जीबो हुई थी उस दिन की फोटो है। और ये दीदी उसका हर मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, ये तो उसका है, उसके बर्थडे पे पूरा पोस्टर बनाया था। ये कार हमने जीबो को बर्थडे में गिफ्ट की थी, ये सारे पोस्टर्स हम लोगों ने इसके बनाए थे। ये ऊपर तो टेनेंट्स के लिए है जो अभी इन्होंने दिए नहीं है रेंट पे, अभी काम चल रहा है ऊपर। तो आइए आपको अब अंदर लेके चलती हूँ। दीदी वीडियोज में तो बहुत सुंदर लग रहा था, अब देखते हैं कि कैसा लग रहा है सामने से। वाह, ये तो पूरा होटल लग रहा है यार, सच में यार बहुत सुंदर। ये आंटी का रूम है, ये देखिए, वाह। पहले मैं आपको पूरे घर का दिखा देती हूँ। जय हो, आई लड्डू गोपाल, जय हो लड्डू गोपाल की, ये आंटी है दीदी की सास। आंटी प्रणाम, प्रणाम जी, तेरो बेटा। वाओ दीदी तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो वीडियो में इतना सुंदर नहीं आ रहा जितना सच में इतना सुंदर लग रहा है। किसी को भी अगर इंटीरियर डिजाइनिंग का किसी को भी कुछ सजेशन लेना होगा ना, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, मैं इससे सजेशन ले लूंगी। ये बहुत अच्छा डिजाइन करवाती है आगे जाके अगर मैं अपने घर। ये देखिए इसका बार है, ये इसका मिनी बार है। वाह दीदी सच में यार इम्प्रेसिव,
अगली बार फिर मेरा घर बनेगा तो तेरी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी, ठीक है। वॉलपेपर भी सुंदर लग रहा है यार। तो आप लोग को मैं दीका घर दिखा चुकी हूँ, देखिए कितना सुंदर आ रहा है यार। ये तो ना फोटोग्राफी के लिए भी बहुत सुंदर है, वैसे इसके घर में अच्छी फोटोज आती थी, कई बार मैंने पोस्ट भी की हुई है, पहले आपको मैंने वीडियो भी दिखाई है, लेकिन उस टाइम तक इन्होंने पेंट ना दोबारा कराया था। 2.5 साल इनके घर को हो चुके हैं। तो क्या खड़ी है यहाँ पर? 3 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, 3 साल हो चुके हैं इसके घर को, तो ये दोबारा पेंट कराया। इसको ना ये काम कब से कराना था, तो हम इसे बोल रहे थे कि थोड़ा सा रुक जा भी, इतनी जल्दबाजी मत कर, लेकिन ये जो ठान लेती है ना चीज, ये उसको करके रहती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसने ठानी थी ये करने की, हमने इसे बोला कि यार तेरा तू ऑफिस भी जाती है, कहाँ टाइम मिल पाता है ये सब चीज करने का, लेकिन इसने कर दिखाया। ये ऑफिस से आके इसने मतलब फुल टाइम यहाँ पर रखे अपने जो लेबर हैं, और यहाँ पर सारा काम हो गया और बहुत अच्छे से काम कराया, बहुत सुंदर यार, सीरियसली रियली अप्रिशिएबल। तो कोई सजेशन देना चाहोगे तुम, कोई अपना नया घर बनाए तो कोई सजेशन? हंस रही है। तो अगर आप लोग को अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन चाहिए घर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं इससे पूछ के आप लोग को रिप्लाई जरूर करूंगी कि क्या क्या इसने ये काम कराया। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो वो ड्यूरेशन आप मुझे बता सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में जो ये करवाया है तो ये क्या चीज है, तो मैं इससे पूछ के आपको बताऊंगी। ये आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, वो यही डायरेक्टली बता देगी, तो इसको बहुत ज्यादा नॉलेज इन सब चीजों की। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, गप्पे अप्पे मारते हैं, बाकी हम लोग खूब मस्ती करने वाले हैं आज। बहुत टाइम बाद मम्मी पापा से भी मैं मिली, दीदी से तो मैं मिली थी अभी कुछ टाइम पहले, लेकिन मम्मी पापा से बहुत टाइम बाद मिली, तो अभी हम लोग बैठ के खूब मस्ती करने वाले हैं। अब बताओ मैं किसकी शक्ल की हूँ, मम्मी की या पापा की? पापा की, नाना की। नाना जी, अरे नानू और जीपो तो सेम कलर के हो रखे हैं भाई, मैचिंग चल रहा है बहुत। हेलो बोलो। तो चलिए तब तक हम लोग थोड़ी गप्पे अप्पे लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये वाला दीदी का बेडरूम है यार, डोर्स भी अच्छे लगे हुए हैं। ये बेड दीदी की शादी का बेड है, ये अलमीरा पूरी, मुझे लग रहा है गद्दे वद्दे तुमने आज सुखाए हैं लग रहा है। मोटी ये क्या है दीदी? ये क्या है? अच्छा, प्लाई लगी है, सरमाई का अच्छा लग रहा है। इसकी कितने साल की गारंटी होती है? 10 इयर्स। आज हम लोग बहुत टाइम बाद मिले, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, तो हम लोगों ने खूब मस्ती करी, खूब गपशप लगाई। अभी भी आपको थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होगी पापा के पीछे से, पापा पीछे मम्मी की टांग खींच रहे हैं और मम्मी की मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने आज बहुत मस्ती करी, थोड़ा व्यू को हम लोगों ने मिस किया, मम्मी पापा ने भी व्यू को बहुत मिस किया, क्योंकि काफी टाइम से मम्मी और मिले नहीं है व्यू से। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम व्यू को लेकर आऊंगी तो मैं मम्मी उसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं उसे। तो आप लोग को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली आप सेफली मनाइएगा। बाकी मैं व्यू से मिलने जाऊंगी, अभी दिवाली के लिए हम लोग कोटद्वार जाने वाले हैं, तो तब आप लोग को मैं व्यू से मिलाऊंगी, और हम लोग कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं सिंपल एंड सोबर तरीके से, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तब तक के लिए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपने अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं या फिर
किसी रीजन की वजह से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बाय गाइस, हैप्पी धनतेरस।